करिए। ये क्या चाहिए? बेंट पाइप। बेंट पाइप रियोमस ब्लैक का एग्जॉस्ट खोली है इसको। हेलो, कंप्लीट फ्री फ्लो है यार, थोड़ा बड़ा जाली है। पता नहीं कौन सा कंपनी, पहली बार मैं सुन रहा हूँ रियोमस का। तो अब लगा के आवाज़ सुनते कैसा लगेगा इसका आवाज़। तो ये वाली NS जो BS6 की न्यू मॉडल है और 4000 किलोमीटर चला हुआ है, तो मैं बोलूँगा काफ़ी है। 4000 चलाया हुआ है, सर्विस वगैरह तो कंप्लीट हो गया होगा ना इसका। 4000 चला हुआ है अभी, सर्विस करा के ही आ रहा है, सर्विस करा के ही आ रहा है। तो 4000 चला हुआ है, एग्जॉस्ट हमको लोकल लग रहा है। कौन सा रियोमस सही है? लोकल ही है, तो लोकल एग्जॉस्ट। इसका बाद बजट नहीं था इसको, बस अभी आवाज़ करना, बाद में आवाज़ देखो कैसा था। अच्छा आएगा तो अच्छी बात है, ख़राब आया तो फिर वापस स्टॉक लग जाएगा और क्या होगा। और इसका ओनर भी खड़ा है शॉप पे, बाकी यहाँ पे जहाँ पे स्टील वगैरह का वर्क होता है वहाँ पे हम लोग चेंज करा रहे इसका एग्जॉस्ट। तो चलो पहले इसका स्टॉक साउंड आप लोग सुन लो। स्टॉक आवाज़ ही इसका बहुत खूबसूरत है, 200cc वाला है ये। तो उसके बाद अभी वो वाला बेंड पाइप है क्या, वो भी लोकल ही है, साथ में आया हाँ। लेकिन लोकल बोलो या कुछ बोलो, इतना लोहा है, लोहा ही फ्री फ्लो समझो, लोहा टाइप है। अब जिसकी भाई जितनी बजट रहेगी उतनी ही लगा सकता है वो। तो कमेंट सेक्शन में कोई मत बोलना गाड़ी ख़राब कर दी है, क्या कर दिया भाई, कॉज आप लोग बहुत अच्छा अच्छा कमेंट करते हो अगर कुछ एग्जॉस्ट वगैरह चेंज होता है तो आप ही लोग बताना। तो चलो अब इसका प्रोसेस आप लोग को दिखाएंगे जब इसका एग्जॉस्ट लोड वगैरह चेंज होगा। तो भाई नीचे वाला सिर्फ बेली खोलने का बात है, कैट कैन नहीं खुलेगा, कैट कैन लगा रहेगा। तो यहाँ से जो बेली अटैच है इस वाले पोर्शन में, यहाँ से खुलेगा और जो नीचे का भारी रहता है वो खुलेगा। और नीचे वाला जो रहता है इसका बहुत ही ज़्यादा भारी रहता है, जो नीचे का बेली साइलेंसर रहता है स्टॉक का। तो अभी देखो लगा के देखते कैसा आता है साउंड वगैरह। साउंड तो फाड़ कर रहेगा कॉज फ्री फ्लो है। अब अच्छा साउंड आएगा कि ख़राब साउंड आएगा इसके बारे में पता नहीं। और 4000 चला हुआ तो उतना हार्म नहीं करेगा इंजन को। इन फ्यूचर अगर ज़्यादा रफ चलते तो थोड़ा बहुत हार्म हो सकता है, फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा हो सकता है, माइलेज ड्रॉप हो सकता है, वही सब होगा। और चलो अभी लगा के हम लोग देखेंगे कैसा, मतलब कि फिटिंग आता है तो फिट कर रहे हैं। तो भाई देखो वहाँ पे बोल्ट वगैरह सब खुल गया, दिखाना कितना भारी है। अरे भाई पूरा गर्म है, लेकिन तो इसको हटाने के बाद सिर्फ आवाज आ रहा है। और ये अंडरबेली एग्जॉस्ट सिस्टम है जो बहुत ही ज़्यादा भारी भी है और जो आवाज़ वगैरह भी लो कर देता है, पूरा खोखला मेरे को लग रहा है। बाकी इसमें क्या क्या होगा फ्रंट, इतना भारी का है, क्या क्या है इसमें? इसमें जाली वाली आता आप थोड़ी घूम रहे हैं, गाली क्या होता है? जाली। और जाली बोला ठीक। तो अब इसका जो बेंड है वो आपका नीचे से अटैच होगा, उसको वेल्डिंग करना पड़ेगा कॉज क्लिप वगैरह ऑप्शन इसमें नहीं दिया। तो जो बेंड मैंने शुरुआत में दिखाया था वही बेंड इस वाले पोर्शन में लगेगा यहाँ पे। और उसके बाद एग्जॉस्ट बेंड होगा, उसके बाद क्लैंप वगैरह उसका लगा, तो वो आपको सब वीडियो के आगे में बताएंगे। तो अभी ये वाला वेल्ड हो जाएगा, फिर आगे आपको दिखाते हैं।
तो भाई ये था इसका फाइनल लुक और आवाज़। लुक तो दिख नहीं रहा, कॉज पूरा अंधेरा हो चुका है, और वो वाला भी जो वेल्डिंग हुआ है उसके कारण वहाँ पे अभी रॉ मटेरियल यूज़ हुआ है, कॉज उसमें भी कलर वगैरह होगा, पेंट वगैरह होगा। तो आप लोग बताओ आप लोग को कैसा साउंड आ रहा है इसका, कॉज काफ़ी बेस में आ रहा है इसका साउंड, और चलाने में भी काफ़ी हल्का हो गया। मोटो व्लॉग नहीं कर सके कॉज काफ़ी लेट हो चुका है, और जिन कस्टमर का है उन्होंने यही लगवाया और यही पसंद था उनका, बजट लो होगा तो इसीलिए यही लगाया, नहीं तो एससी या एक्रापोविक वगैरह डाल सकते थे। तो अभी देखो पेंट लगेगा इस पर, पेंट होगा अभी ये कंप्लीट, इसको भी स्क्रैप होगा, उसके बाद पेंट वगैरह लगेगा, उसके बाद इसका फाइनल लुक आएगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोग का साउंड कैसा लगा इस वाली NS 200 का। बाकी बात अगर एग्जॉस्ट की बात करें तो लोकल एग्जॉस्ट है यार, कोई नाम वगैरह कोई पता वगैरह है नहीं वैसा, तो प्राइस वगैरह भी बता नहीं सकता मैं, कॉज मेरे को खुद नहीं मालूम है। तो चलो हम लोग को वीडियो करेंगे एंड, होप्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वेल्डिंग वगैरह हुआ, क्लैंप वगैरह सब बना, तो सबका वीडियो मैंने बनाया। चलिए वीडियो करते हैं एंड, होप्स आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।